नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गौतम आपकी दोस्त आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के दौर में हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन तो है ही, और हर एक व्यक्ति एंड्रॉयड मोबाइल में अच्छे अच्छे फीचर्स और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन का यूज करता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह, ऐसे सारे एप्लीकेशन का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने साथ में ये भी देखा होगा, अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो वो नीचे सर्च में सेव हो जाता है। जब आप दोबारा से सर्च करेंगे तो वहाँ पे पहले ही आ जाएगा। अगर आपने माना कि ब्यूटीफुल सर्च किया है तो ब्यूटीफुल आप दोबारा करें तो वहाँ पे ब्यूटीफुल ही लिखा हुआ होगा। इसके द्वारा से आपको कोई भी पकड़ सकता है कि आपने क्या सर्च किया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी कभी अपने मोबाइल में या अपने फ्रेंड के, अपने घर वाले किसी के फोन में कुछ भी सर्च करते हैं और आप चाहते हैं कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो किसी को पता ना चले, लेकिन वो फिर भी पता चल जाता है क्योंकि वो वहाँ पे सेव हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी है, इसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसान से सिर्फ 1-2 सेकंड में उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप अपने फ़ोन में कुछ भी सर्च करेंगे, कुछ भी एनीवे कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपके मोबाइल में सेव नहीं होगा, यूट्यूब की लिस्ट में सेव नहीं होगा जहां आप सर्च कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो पहले से सेव हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे इसकी सेटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ आप अपने मोबाइल में ये सेटिंग कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया दोस्तों वीडियो में कि यहाँ पे जो हम सर्च करते हैं वो सेव हो जाता है सर्च बार में, तो इससे कोई भी पहचान लेता है कि हमने सर्च किया क्या है और पकड़ सकता है हमें। अब जो आपके मन में है, कुछ भी है, कोई म्यूजिक है, कोई मूवी है, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने क्या सर्च किया है। लेकिन अब आप इसको बंद कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए दोस्तों, आपको दोबारा अपने यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा आपके यूट्यूब चैनल का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाकर दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट सर्च हिस्ट्री दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पोस्ट वॉच हिस्ट्री, एक है पोस्ट सर्च हिस्ट्री। दोस्तों ये दोनों ऑन है, तो आप इनको क्या करना, आप यहाँ से इसको क्लिक करके इसको पोज कर देंगे और यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आप कुछ भी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, अभी आपके पूरे फोन में कहीं भी सेव नहीं होगा। अब आप देखेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ यूट्यूब में फिर कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर लेना, वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने सर्च किया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लता मंगेशकर सॉन्ग 2019 ये मैंने सर्च किया था, और क्यूट लिटिल बेबी। अब हम यहाँ पे दोस्तों सर्च कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल वचन। दोस्तों आप देख लीजिए, मैंने सर्च कर लिया है तो अब ये यहाँ पर सेव नहीं होगा क्योंकि दोस्तों वो मैंने बंद किया हुआ है। अब यहाँ से ओपन करेंगे, अब आप यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे सर्च नहीं हुआ। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे वो सेव नहीं होगा। अभी आप देखेंगे दोस्तों, आप कुछ भी लिख दीजिए, आप यहाँ पे लिख देते हैं HD मूवी इन हिंदी, तो आप इसे देखें दोस्तों ये भी सेव नहीं होगा। अब यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे फिर यूट्यूब में जाकर सर्च बार में जाते हैं। सर्च बार में जाकर देखें दोस्तों, जो मैंने पहले बंद करने से पहले सर्च किया था वो ही शो कर रहा है, बाकी जो मैंने अभी सर्च किया वो कुछ भी सर्च यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे सेव नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस पर 1 लाइक तो बनता ही है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आएगी, ये सेटिंग भी पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस सेटिंग पर दोस्तों 1 लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ फटाफट से आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसको तुरंत आपको रिप्लाई दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई न्यू वीडियो, यूजफुल वीडियो आपके लिए डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप ऐसे यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।